जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फाइनली एक बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो कमेंट वगैरह मेरे यूट्यूब चैनल पे आ रहा है कि भाई कोई आजमगढ़ से इंटरसिटी जो ट्रेन है वो चलने वाली है या फिर मऊ से जो कोई एक इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है वो चलनी है, उसके बारे में जो जानकारी है ना वो आप जल्दी से जल्दी जो है ना वो साझा करें। तो फाइनली चलिए आज आपको इस पूरे जो वीडियो है ना वो एक इंटरसिटी के रूप में जो है यहाँ पे जो पूरी वीडियो है ना वो मैं आपको बताता हूँ कि जो आजमगढ़ और मऊ से क्या कोई इंटरसिटी चलने वाली है या फिर अभी जो इंटरसिटी है वो अभी नहीं चलने वाली है, इन सारे चीज़ों की जानकारी है ना वो मैं आज आपको बताता हूँ इस अपने वीडियो के माध्यम से। बाकी अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारे पूरे भारतवर्ष में अभी क्या है कि जो आस्था स्पेशल ट्रेनें जो है ना वो यहाँ पे चलाई जा रही हैं। तो उन्हीं आस्था स्पेशल ट्रेनों में से एक आस्था स्पेशल ट्रेन हमारे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को मिला है, जिसका नया नया जो रैक है ना वो आज या कल मतलब 29 तारीख को यहाँ से मऊ से निकलकर आजमगढ़ की तरफ जो है ना वो चला जाएगा। तो ये तो रह गई आपका आस्था स्पेशल ट्रेन। और चलिए बात कर लेते हैं इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो कि आपको बताया जा रहा है कि कोई इंटरसिटी एक्सप्रेस है वो ट्रेन चलने वाली है। तो भाई बात ऐसा है कि आप सभी लोगों को पता है कि किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी चुनाव वगैरह रहता है तो अभी यहाँ पे क्या है कि लोकसभा चुनाव जो है ना वो आने वाला है। तो हो सके तो इस लोकसभा चुनाव से पहले और पहले आजमगढ़ से लखनऊ या फिर आजमगढ़ से प्रयागराज के लिए जो इंटरसिटी एक्सप्रेस है ना वो यहाँ पे एक नई रेल सेवा का जो शुभारंभ है ना वो हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे लगातार जो आजमगढ़ के जो सांसद माननीय निरहुआ जी हैं वो लगातार जो है ना यहाँ पे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन जया धर्मा से जो है ना वो लगातार यहाँ पे मिलते रह रहे हैं, क्योंकि नई ट्रेनों को लेकर ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो ज़रूरत है इस पूरे आजमगढ़ रेलवे स्टेशन को। क्योंकि आजमगढ़ रेलवे स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहाँ से लोग बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो यात्रा करते हैं, या तो फिर मुंबई के लिए या तो आपका प्रयागराज गोरखपुर जैसे इन बड़े शहरों के लिए जो है ना यहाँ पे निरंतर यहाँ पे यात्रियों की जो भीड़ होती है ना वो निरंतर होती रहती है। और बात करें इस आजमगढ़ रेलवे स्टेशन की ना, तो आजमगढ़ जो है ना वो मऊ सागंज ब्रांच लाइन पे जो है ना वो पड़ता है। इसके वजह से यहाँ पे यात्रियों की संख्या है ना वो और ही ज़्यादा आती रहती हैं। अभी आपको पता होगा कि हाल ही में मतलब पहले कोविड से पहले यहाँ पे आजमगढ़ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन को जो है ना वो यहाँ पे बंद कर दिया गया था, और उसके उपरांत जो है ना वो मऊ लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को ट्रेन को चलाकर यहाँ पे जो मुंबई की जो भीड़ है ना उसे कम किया गया है। अभी वो भी कम जो है ना वो नहीं हुआ है। तो और एक चीज़ और है कि यहाँ पे इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है ना वो एक मऊ को भी जो है ना वो यहाँ पे मिल सकती है। अब वो इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है ना वो पूरा गोरखपुर से चलकर और प्रयागराज के बीच, जैसा कि जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है ना वो चलता है, तो सेम वैसा ये क्योंकि ये जो जन शताब्दी एक्सप्रेस का जो डिमांड है ना वो बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि प्रयागराज के लोग भी ये जन शताब्दी एक्सप्रेस का बहुत ही ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं प्रयागराज से, और वहीं गोरखपुर से भी लोग बहुत ज़्यादा डिमांड करते रहते हैं इस जन शताब्दी एक्सप्रेस का। खैर अगर आजमगढ़ से कोई भी इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है तो आपको पता ही होगा कि अभी फ़िलहाल में एक आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आजमगढ़ से एक इंटरसिटी एक्सप्रेस चलेगी जो कि पटना के लिए यहाँ पे चलाई जा सकती है। तो एक इंटरसिटी वो रह गई, और जो दूसरी इंटरसिटी आपको आजमगढ़ से चलने वाली है लोकसभा से पहले और पहले, वो आपका या तो प्रयागराज के लिए चलाया जाए या तो फिर लखनऊ के लिए चलाया जाए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आजमगढ़ से लखनऊ के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस चलती है तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो उत्सर्ग एक्सप्रेस और कृषक एक्सप्रेस में जो भीड़ है ना वो यहाँ पे कम कर दिया गया था। तो चलिए आप लोग को ये पूरा इंटरसिटी एक्सप्रेस और आस्था स्पेशल ट्रेन का आपको पूरी वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी आपको पूरा इंटरसिटी एक्सप्रेस का और आस्था स्पेशल ट्रेन का आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है ना वो आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन के जर्नी और वीडियो में, और जल्द से जल्द जो है ना वो इंटरसिटी एक्सप्रेस यहाँ पे
चलने की जो संभावना है ना वो यहाँ पे जताई जा रही है। वैसे अभी आस्था स्पेशल ट्रेन का उद्घाटन जो है ना वो 30 जनवरी को होने वाले हैं आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पे। तो जितना अधिक से अधिक लोग जो है ना वो यहाँ पे शुभ आरंभ के टाइम जो है ना यहाँ पे आ सकते हैं, और उसकी टिकट की जो बुकिंग है ना वो आप IRCTC के द्वारा केवल और केवल कर सकते हैं। यहाँ पे PRS काउंटर पे इस ट्रेन की बुकिंग आस्था स्पेशल की नहीं होने वाली है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे IRCTC पे जो है ना वो बुकिंग करा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और नए ट्रेन की जर्नी और वीडियो में।